गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन जेजेएन। आई एम शिल्पा माकरिया, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 7। आज जो है हमारा हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 इज कंप्लीट इन प्रीवियस क्लासेस। चैप्टर 6 हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे आवर चैप्टर इज चैप्टर 7, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। वेदर, मीनिंग ऑफ वेदर इज मौसम। क्लाइमेट मीन्स जलवायु एंड अडेप्टेशन मीन्स अनुकूल। या अनुकूलन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट मतलब जलवायु के अनुरूप जो एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, वह कैसे अपने आप को अडेप्टेड करते हैं, कैसे वह रहते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 68 आप सभी अपनी बुक में ओपन कीजिए। आप सभी जो है अभी समर सीजन है, तो हम समर सीजन में हम सब क्या कर देते हैं, कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, हमें गर्मी लगती है। जबकि जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या करते हैं हम लोग, ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल लेते हैं, जैकेट वगैरह स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, जिससे कि हमें सर्दी नहीं लगती। जबकि रेनी सीजन में हम अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं, छाता का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें बारिश में हम गीले नहीं होते। तो एनिमल्स, हम लोग तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कर लेते हैं, बट एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्टेड करते हैं, कैसे जो है जब ज़्यादा गर्मी होती है समर सीज़न में वो अपने आप को बचा पाते हैं, कैसे ज़्यादा विंटर सीजन में ज़्यादा कोल्ड से वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टूडेंट, सिट योर बुक, पेज नंबर 68 देखिए आप सभी। डू यू रिमेंबर द थिंग दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग ऑफ फॉर ए हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मीन्स, हिल मीन्स पहाड़ों पर, ठीक है। जब आप पहाड़ों की सैर करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि कुछ ज़रूरी सामान वगैरह रख लो, आप खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, रस्सी वगैरह ये साथ में रख लेते हैं ताकि आपको चढ़ने में ईजी हो। वैन द स्काई इज क्लाउडी, जब क्लाउडी मीन्स बादल होते हैं, काले बादल, जब आसमान में काले बादल होते हैं, तो योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। भाई जब अभी रेनी सीजन है, बादल हो रहे हैं काले काले, तो आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, छाता ले जाओ, अम्ब्रेला ले जाओ, ताकि बारिश होता हम गीले ना हो। हैव यू हियर एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग फैमिली फंक्शंस, कि जो हमारे घर में बड़े हैं, एल्डर मीन्स बड़े, जो आपके दादा दादी हैं या सभी हैं, जब घर में कोई फंक्शन करना होता है, जैसे किसी मैरिज का फंक्शन अरेंज करना है, तो उसमें पहले क्लाइमेट देखा जाता है कि रेनी सीजन में जो है फंक्शन को अवॉइड किया जाता है, कि बारिश में फंक्शन ख़राब हो जाते हैं, तो क्लाइमेट के बारे में उन्होंने बात करते हुए आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम, और जब गेम्स वगैरह खेले जाते हैं तो आपने देखा होगा जो एक्सपर्ट्स मीन्स होता है विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स मीन्स होता है विशेषज्ञ, कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वह पहले क्या करते हैं, क्लाइमेट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट साफ होता है तभी प्रोग्राम वगैरह करवाए जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है, प्रोग्राम खराब हो जाता है, तो वह इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्यों करते हैं ये, द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि मौसम का जो है खेल पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप सभी, मौसम क्लीन है तो आप सभी घर के बाहर आराम से क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, आराम से खेल लेते हो ना, और बारिश वगैरह होती है तो क्या होता है, आप खेल पाते क्या, नहीं खेल पाते, आपको घर पे ही रहना पड़ता है। तो इट मीन्स वेदर जो है वो क्या है, गेम्स जो है वेदर से इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, जिसका हमारे जीवन पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिकेट फॉर द दैट डे, कि हम अगर बारिश का दिन है तो हम उसमें बाहर जाना क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि बारिश में बाहर नहीं निकल सकते, और अगर मौसम साफ है तो हम मार्केट जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में भी क्या है, मौसम जो है वेदर काफ़ी इफेक्टेड है, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो इन द न्यूज़पेपर। आप सभी टेलीविज़न में आज का मौसम बताया जाता है, न्यूज़ में बताया जाता है, रेडियो में बताया जाता है, और न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ आता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़, पर क्या आप जानते हैं मौसम होता क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के बारे में ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। We will also see the different form of life are adapted to the climate of their habitat. यहाँ पर जो word आया है habitat means होता है आवास, कि कैसे अलग अलग habitat में जो है animal रह पाते हैं वो हम इसमें देखेंगे आवास। First हमारा topic आता है 7.1 weather. पहले हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, weather means मौसम बारे में हम पहले पढ़ेंगे। वेदर अब वेदर होता क्या है, देखिए फिगर 7.1 देखिए, इसमें वेदर के बारे में लिखा हुआ है। मैक्सिमम जो है 16.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और मिनिमम 26.1 डिग्री सेल्सियस जो है 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है। सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवन, जो फिगर 5.4 है। ऐसे आप न्यूज़पेपर में, आप सबके यहाँ घरों में न्यूज़पेपर आता है, साइड में एक कॉलम बना हुआ होता है जिसमें कि आज का टेम्परेचर दिया जाता है, और आज का डे कैसा रहेगा, क्लाउडी रहेगा, सनी रहेगा, वो उसमें लिखा हुआ रहता है। We find that the Delhi weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. तो हमें इससे क्या मिलता है, वेदर से हमें जो 24 hours, 24 घंटों का, क्योंकि मंडे हमारा 24 hours में काउंट किया जाता है, 24 hours का मंडे होता है ना, तो 24 hours का जो temperature means तापमान और humidity means आर्द्रता, कितनी उसमें humidity रहेगी उस दिन में, वह सभी जो है हमें टेम्परेचर बताता है। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता। आर्द्रता तो क्या क्या शामिल है डे के वेदर में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। रेनफॉल मीन्स होता है बारिश। ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, आने वाले जो बीते हुए 24 आवर्स कैसे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आने वाले 24 आवर्स के बारे में बता सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। और ह्यूमिडिटी में क्या मेजर किया जाता है, क्योंकि अभी तो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में तो क्या ह्यूमिडिटी रहती, नमी रहती है, बट जब रेनी सीजन नहीं होता तो आप सबको पता है कि हमारी एयर में क्या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण, जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होती है, उसे अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लू पैराग्राफ लिया हुआ लिखा हुआ, देखिए बेटा ब्लू पैराग्राफ दिया हुआ है वो, द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कौन बताता है वेदर रिपोर्ट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स मौसम विभाग। मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी मौसम विभाग, मौसम विभाग जो जानकारी देता है उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है, मौसम की, दिन के मौसम की हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाता है ना, वैसे ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग, जो हमें मौसम की जानकारी देता है।
The department collect data such temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. तो ये department क्या करता है? Collect करता है temperature का data, आंकड़े कि कितना temperature है, उसके according जो है next day का weather decide करते हैं. तो जो हमें weather related report जो है report कौन देता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. अब यहाँ पर एक्टिविटी 7.7 दी भी है. देखिए एक्टिविटी 7.1 देखिए. कट ऑफ द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से आप जो है लास्ट वीक पिछले सप्ताह की जो है वेदर रिपोर्ट आप काट के रखेंगे. इफ़ यू डू नॉट गेट न्यूज़पेपर एट होम बोरो फ्रॉम योर नेबर्स एंड और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक. और अगर आपके यहाँ नोटबुक नहीं आता तो आपके नेबर्स, पड़ोसी, फ्रेंड किसी के आता तो आप उससे ले लेंगे. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से भी हम इसे ले सकते हैं. पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन द वाइट शीट ऑन ए चार्ट पेपर और एक चार्ट पेपर पर हम इसे लगा सकते हैं. नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड टू यू इन टेबल 7.1 और फिर इसे अपन टेबल 7.1 जो बुक में दी हुई है पेज नंबर 69 पर उसमें से मैच करेंगे. द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल. पहली रो जो है सैम्पल के रूप में लिखी हुई है कि कैसे हम इसमें फिल करेंगे. फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू डाटा इन द चार्ट यू हैव प्रिपेयर्ड. कि आपको जो अलग अलग न्यूज़पेपर से अलग अलग डे का, जैसे फर्स्ट देखिए आप टेबल 7.1 में फर्स्ट कॉलम डेट का है. डेट जो है 23 अगस्त का दिया हुआ है. इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 36.2 था, मिनिमम 27.8 था और ह्यूमिडिटी जो थी 54 और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 82 थी. रेनफॉल का इसमें दिया हुआ है. तो ऐसे ही आपको जो है न्यूज़पेपर इनसे कटिंग लेनी है और उसके जो मैक्सिमम डेट लिखना है किस डेट पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी और रेनफॉल कितना हुआ है. नेक्स्ट है ब्लू पैराग्राफ देखिए. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गेज. अगर बारिश आप बोलते हैं ना, पहले हमारे घर में जो एंसेस्टर हमारे एल्डर जो हैं दादा दादी वो तो बोलते थे एक अंगल पानी हुआ है, चार अंगल पानी हुआ है. बट जो रेन है बारिश की मात्रा किससे नापी जाती है? जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर के लिए किसका थर्मोमीटर का देखा था ना कि थर्मोमीटर से हम जो बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, तो वैसे ही जो बारिश है बारिश किसके द्वारा नापी जाती है? रेन गेज नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है वर्षा मापी यंत्र जिसको बोलते हैं वर्षा का मापन किया जाता है. इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. ये कैसा होता है? एक सिलेंडर टाइप में होता है और इसके ऊपर क्या होती है? फनल होती है इस टाइप में और इसके ऊपर एक फनल लगी हुई होती है. जब रेन वाटर होता है तो रेन वाटर इसमें गिरता है, जितना रेन वाटर कलेक्ट होता है उससे हम रेन की मात्रा पता लगा लेते हैं कि कितने रेन उसमें हुई है. तो जो है रेन इज रेनफॉल किसके द्वारा मेजर करते हैं? रेन गेज के द्वारा मेजर करते हैं. डू ऑल द 7 डे हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या हमारे यहाँ जो 7 डेज का क्या होता है? 1 वीक होता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. तो 7 डे का क्या टेम्परेचर सेम होता है? एक जैसा होता है? नहीं होता है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में भी सेम फॉर सम डे ऑफ द डे. तो इसमें क्या हम जो 7 डेज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट बी सेम ऑन एनी 2 डेज. किसी भी 2 दिन का जो टेम्परेचर है वो कभी भी सेम नहीं आता है. ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. और जो वीक में भी जो है टेम्परेचर अलग अलग होते हैं. अब यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे बेटा. डेफिनेशन आ रही है वेदर की. सभी ब्लैक बोर्ड से जो है पेंसिल लेकर रखेंगे हाथ में, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस. दिन प्रतिदिन का जो कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है वातावरण की किसी एक फिक्स जगह पर विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड एक्सेट्रा. और कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन? रेनफॉल बारिश हो रही या नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कितनी है, टेम्परेचर कितना है और क्या है विंड स्पीड. हवाई जो है तेज चल रही है कम चल रही है वह क्या कहलाती है? इस कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. वह उस प्लेस का क्या कहलाती है? वेदर मौसम डिसाइड करती है. द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट. और ये सभी
जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये जो हमारे वेदर को इफेक्ट करते हैं, जिनके द्वारा हम वेदर की का मापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं, वेदर के तत्व कहलाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे बाई डे, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो है वेदर मौसम दिन प्रतिदिन सप्ताहों से और महीनों से चेंज होता रहता है। दैट इज व्हाई वी ऑफन से टुडेस वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, कि आज का जो वेदर है, मौसम है, वो क्या है? नमी वाला है, चिपचिप है, जबकि लास्ट वीक क्या था? पिछले सप्ताह का जो वेदर था वो क्या था? वार्म था, काफ़ी गर्म था। द वेदर इज ए सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन मीन्स होता है बेटा घटना, कोई भी घटना जो घटती है तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फिनोमिना है, फिनोमिनॉन है, जटिल घटना है। वेदर का पता लगाना हम इजीली इसको डिसाइड नहीं कर सकते वेदर को, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फिनोमिना दुर्घटना, दूसरी घटना है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जिसे हम इजीली सिंपल तरीके से पता नहीं लगा सकते। और क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो वेदर का पता लगाना है क्या? एक जटिल घटना है। दैट इट कैन वेरी और वेरी वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन हैपन समटाइम दैट इज अ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नो हियर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैविली, कि कभी कई बार आप देखते हैं कि सुबह क्या आता है, एकदम सनी डे है, सनी डे मीन्स सूरज अच्छी तरीके से उगा हुआ है, पर अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक। आप वर्ड मीनिंग नोट करते हुए जाएंगे बेटा साथ में, और जो आप चैप्टर लिख करेंगे तो उसके साथ ये वर्ड मीनिंग भी साथ में राइट करेंगे, ताकि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है वो भी क्लियर होती जाए। सडनली मीन्स होता है अचानक, कि कई बार आपने देखा है क्या होता है कि एकदम से सुबह जो है एकदम सनी डे है, धूप अच्छी निकली हुई है, फिर एकदम से हवाओं के साथ जो है बादल आ जाते हैं और हैवी रेनफॉल बारिश चालू हो जाती है, और हैवी रेन में भी वेनिश या मैटर और मिनट्स गिव बाय ब्राइट सनलाइट, और कई बार जो है काफ़ी बारिश होती है उसके बाद एकदम से सन लाइट सनशाइन करने लग जाता है, चमक तेज धूप निकल आती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज सच एस कॉम्प्लेक्स फिनोमेन, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिकेट। तो मौसम का पता लगाना है क्या है? एक जटिल घटना है जिसे हम इजीली पता नहीं लगा सकते। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 206 एंड 9 अगस्त 206 एट शिलोंग एंड मेघालय। यहाँ पर जो है पेज नंबर 70 पे देखिए, शिलोंग और मेघालय का जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो है टेम्परेचर दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखिए कि एकदम 27 से फिर 25 पे आ गया, एकदम 23 पे टेम्परेचर आ जाता है, फिर 22 पे इसका टेम्परेचर आ जाता है। एट इट इज़ क्लियर दैट एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे, कि हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है? रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ द टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन चैप्टर 4? हैव लर्नड that the there are special thermometer this purpose called maximum and minimum thermometer. हमने जो chapter 4 में thermometer का देखा था कि कैसे उससे जो है से temperature measure किए जाते हैं thermometer से, और maximum और minimum temperature use करने के लिए जो special thermometer का use किया जाता है, जिन्हें maximum और minimum thermometer बोलते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था? clinical और laboratory thermometer के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स के बारे में बताया हुआ है। मैक्सिमम थर्मोमीटर वेर इट इज़ यूज, मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर इज़ यूज इन मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे। डे का मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मैक्सिमम थर्मोमीटर का। और नेक्स्ट है मिनिमम थर्मोमीटर। मिनिमम थर्मोमीटर का
भी यूज़ कहाँ किया जाता है, डे का मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे अपन ने दो टाइप्स और पढ़ लिए हैं थर्मोमीटर के, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, एंड मिनिमम थर्मामीटर इज यूज टू मेजर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, डे का मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ओकर, अब किस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और किस समय मिनिमम टेम्परेचर होता है वो भी देखिए कि आप किस समय, अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो आप किस समय मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जब अर्ली मॉर्निंग मीन्स जब सूर्योदय होता है, तब आपको पता है ना हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह ठंड रहती है सनराइज से पहले, तो अर्ली मॉर्निंग क्या है, हम जो है मिनिमम टेम्परेचर डे का मेजर कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर डे का कब मेजर किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब मेजर किया जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इज जनरली मेजर इन आफ्टरनून, दोपहर के समय, मतलब 12 नून के आसपास। आफ्टरनून में जो है हम क्या मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आफ्टरनून के समय मेजर किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर जनरली इन आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर जनरली इन अर्ली मॉर्निंग। जो है सुबह जल्दी जो है हम मिनिमम टेम्परेचर को दिन का मेजर कर सकते हैं, और दोपहर के समय हम मैक्सिमम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन द समर वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कम्पेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। कि समर में क्या होता है, दोपहर में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है जबकि सुबह कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि सुबह क्या होता है, सनराइज। आप सबको पता है बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, आप सभी जानते हैं सन लाइट हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। ये दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है। और हमारी अर्थ क्या है, सन के चारों राउंड लगाती है, ये हमारी अर्थ है। जब सनराइज होता है, सनराइज हो जाता है तो सनरेज क्या होती है, हमारी अर्थ पे क्या आती है, तिरछी आती है। ठीक है, तिरछी आने के कारण कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के कारण इनकी हीट क्या होती है, लेस हीट, कम ही उष्मा इनसे हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसका देख सकते हैं, आपको गर्म दूध मिला है या गर्म चाय आपको देनी है, आप एक तो किचन में खड़े होकर पी लेते हैं तब वह गर्म रहता है, या आप उसको बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाके पीते हैं तो इतनी दूर वो ठंडी हो जाती है ना, ठंडा हो जाता है मिल्क या टी आपका। तो सेम प्रोसेस है, जितना डिस्टेंस कवर करेंगी सनरेज उतनी ही क्या होगी, उनकी हीट लेस होगी। तो जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है तो सन रेज को क्या है, काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसके कारण सुबह क्या क्या होता है, ठंड होती है, गर्मी कम होती है। और जैसे ही आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून में हमारे सन की पोजीशन क्या होती है, हमारे सिर पे होता है ना सन, होता है, आप देखिए खड़े होके 12 नून के समय आप जो सन की पोजीशन हमारे ऊपर होती है, इट मीन्स सनलाइट क्या है, डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आती है, इनका डिस्टेंस कम होता है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, हमें मैक्सिमम हीट, ज़्यादा गर्मी मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम हीट दोपहर में, ज़्यादा गर्मी मिलती है। और जैसे ही फिर जो है सूरज जो है सनसेट होने लग जाता है, वेस्ट की ओर जाने लग जाता है, तो इसकी हीट कम होने लग जाती है, और लास्ट इवनिंग टाइम में 5 PM 6 PM जो है गर्मी कम हो जाती है, सनलाइट की हीट कम हो जाती है। देखिए अब बुक में, व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यू नो दैट विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आपने देखा होगा विंटर सीजन में क्या होता है, दिन हमारे छोटे होते हैं, दिन छोटे इट मींस जो अंधेरा जल्दी हो जाता है। आर द डे शॉर्टर इन द विंटर देन इन समर, और विंटर में क्या होता है, दिन जो होते हैं समर की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो क्यों होते हैं, अभी भी आपने नोटिस करा होगा कि हमारे जो दिन हैं वो क्या छोटे होने लग गए हैं। रात को जो है पहले
जो है 7:38 बजे तक जो है सनराइज सनसेट होता था, बट अब क्या है, अब जो है 6:30 पे ही सनसेट होने लग जाता है, और धीरे धीरे ये टाइम कहाँ तक आ जाएगा, 5:30 तक या 5:45 पे ही हमारा सनसेट होने लग जाएगा। हमारे दिन क्या है, विंटर सीजन जैसे ही ठंड का मौसम स्टार्ट होगा दिन छोटे होने लग जाते हैं। ट्राई टू फाइंड आवर सेल्फ कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन द एंड ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पर जो हमारे सीजन बन रहे हैं, विंटर सीजन समर सीजन क्यों बनते हैं, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, बेटा आपकी बुक में नहीं है, देखिए आप लोग। आप में से कई बच्चे सुबह जल्दी उठते होंगे, है ना, और जो नहीं उठता वो कल उठेगा जल्दी। जल्दी मीन्स अभी आप लोग जो है 6 AM to 6:30 के बीच में आप उठेंगे, और उठ के क्या करना है आपको, सन की डायरेक्शन देखना है, ठीक है, सन कहाँ से राइज हो रहा है, उग रहा है। तो सन राइजेस की जो पोजीशन है आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तो सन की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अर्थ के सामने होती है हमारे, ठीक है। और जैसे ही अब विंटर सीजन हमारा 2 मंथ के बाद विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो विंटर सीजन में जो डायरेक्शन ऑफ सन की क्या हो जाती है, साइड में चली जाती है। सन जो है, आप सभी ने एसएसटी में पढ़ा होता है, सन अपनी जगह स्थिर होता है, बट जो अर्थ है वो अपना रोटेशन करती है, सन के चारों ओर जो है कौन रोटेट कर रहा है, अर्थ जो अपना रोटेशन करती है। तो सन का जो अर्थ जो है सन से दूर होने के कारण सनलाइट क्या है, तिरछी हो जाएगी, और सन की डायरेक्शन आप जो है विंटर सीजन में देखेंगे, दिसंबर में आप सन की डायरेक्शन देखेंगे, तो हमें सन की डायरेक्शन कहाँ दिखाई देगी, इस कॉर्नर में। कॉर्नर कौन सा, जो ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, ईस्ट एंड साउथ, पूरा दक्षिण के जो कॉर्नर में सन की डायरेक्शन हमें दिखाई देती है। तो वहाँ से क्या है, सन हीट जो है काफ़ी डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है, जिसके कारण इनकी हीट कम हो जाती है, सनलाइट की हीट, और हमारे यहाँ कौन सा सीजन बनने लग जाता है, विंटर सीजन बनने लग जाता है, ठंड स्टार्ट हो जाती है। फिर फरवरी मार्च में, या फिर जो सन ईस्ट साउथ को छोड़कर ईस्ट नॉर्थ में आने लग जाता है, पूरब और उत्तर कॉर्नर पे आने लग जाता है, जिसके कारण कौन सा सीजन बन जाता है, समर सीजन बनने लग जाता है, गर्मी हमारे यहाँ होने लग जाती है। क्लियर, समझ में आया आपको कैसे ठंड होती है। इसके लिए आप उठ के चेक कर सकते हैं, कल आप चेक कीजिएगा सन की डायरेक्शन, तो आफ्टर 1 मंथ आप चेक करेंगे, विंटर में चेक करेंगे, तो आपको सन की डायरेक्शन जो है, जो आपके यहाँ का डायरेक्शन होगा, आपको पता है ना 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सन की डायरेक्शन आपको कहाँ दिखाई देगी, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में जो सन की पोजिशन आपको दिखाई देती है, तो जिसके कारण क्या बनते हैं, मौसम बनते हैं। तो मौसम किसके कारण बन रहे, रोटेशन के कारण ही जो है वेदर बनता है। क्लियर, अब आप सभी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो माइक ऑन कीजिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा, मैम को कुछ पूछना है। हाँ बोलो, कौन, पहले नाम बोलो बेटा अपना। मैम दीनबंधु अग्रवाल। हाँ बोलो बेटा दीनबंधु। मैम अपनी पृथ्वी जो है मैम, वो एक दिन में कितने राउंड काटती है, एक दिन में कितने राउंड काटती है। देखो बेटा, अभी जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि सन है ना, और अर्थ है, आप सबको पता है जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारा अर्थ भी क्या है, प्लैनेट है, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, जो सन के चारों ओर क्या राउंड काटते हैं ना, राउंड लगाते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो आपको पता है 2 टाइप से जो है रोटेशन करती है, ठीक है। एक तो होता है इसका जो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही है सर, और दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। और ये रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ये 1 ईयर, एक साल में। हम जो है 22, 21, 23 ऐसे ईयर हर बार बनाते हैं ना 1 जनवरी से, तो वो एक साल कब कंप्लीट, उस एक साल को यहाँ कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स 1 ईयर कंप्लीट कब हो रहा है, जब हमारी अर्थ पूरा सन का राउंड कंप्लीट कर लेती है। और इसमें कितने डेज होते हैं, 365 1/4 डेज में, मतलब 365 डेज तो फुल कंप्लीट करती है, और 1/4 डेज मतलब दिन का चौथा भाग, कैसा होता है हमारा 24 आवर्स का डे होता है ना,
तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 365 डे एंड 6 आवर में क्या है, यह पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसके अलावा रिवोल्यूशन के अलावा हमारी अर्थ क्या करती है, एक रोटेशन भी करती है। रोटेशन, आप सभी ने जो ग्लोब देखा होगा, अर्थ का ग्लोब देखा है ना, ग्लोब कैसा होता है, ऐसा होता है एक एक्सिस पे वो घूमता है ना गोल गोल, तो वैसे ही हमारी अर्थ क्या है अपने एक्सिस पे जो है राउंड लगाती, गोल घूमती है। और यह राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में, 24 घंटों में। जो पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है वहां पर क्या हो जाता है, डे, और जो पीछे का भाग है वहां पर क्या हो जाता है, नाइट, ठीक है, रात हो जाती है। और जब ये रोटेशन करके दोबारा इस साइड आता है तो यहाँ इस हिस्से में दिन हो जाता है और ये हिस्सा पीछे चला जाता है, इसमें क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। तो जो है अपना रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है अर्थ, 24 आवर्स में, एक दिन में, जिसको अपन एक दिन में काउंट करते हैं। और रिवोल्यूशन मीन्स पूरा सर्कल किस में कंप्लीट करती है, 1 ईयर में कंप्लीट करती है। समझ में आ गया बेटा, दिन बंधु, दिन बंधु यू आंसर, अंडरस्टैंड बेटा? यस मैम, आ गया समझ। और कोई क्वेश्चन है बेटा? मैम वो आपने सिर्फ चैप्टर की पीडीएफ दी। हाँ, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी सेंड करूंगी। और कुछ बेटा? ओके। और लीजा, खुशी, आपको कोई डाउट क्यों है बेटा? नो मैम। ओके बेटा, लीव करो क्लास है ना, और अपनी नोटबुक चेक करो बेटा सभी। बाय।